एंड ये इस बॉल पे हो जाएगी हमारी 50। पहला बल्ला उठने वाला है भाई, पहले मैच में डेब्यू है। हाय कॉटन बॉल भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट इज फाइनली द डे भाई, आईपीएल की लीग स्टेज खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अभी हमें एक दिन मिलने वाला है प्लेऑफ्स एंड फाइनल्स के वीक से पहले। तो वी आर गोइंग बैक टू द करियर मोड। तुम लोग चार, मैंने पोल किया था और तुम में से काफी लोगों ने बोला था कि तुम लोगों को एक्चुअली में चाहिए भाई एनपीएल 2024। बट एनपीएल 2024 की बात यह है कि हमें ऑक्शन करना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ ऑक्शन लाइव स्ट्रीम करना। तो अगले संडे को हम लोग एनपीएल 2024 की स्टार्ट कर देंगे। उसके बीच में हम लोग खेलने वाले हैं WCC3 के अंदर करियर मोड, RC24 ट्राई करने वाला हूँ मैं, Cricket24 भी। तो भाई किसका इंतजार है, आज अपने खेलने वाले हैं WCC3 करियर मोड। आज अपने इंडियन डिस्ट्रिक्ट ODI के अंदर भाई डेब्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था इसको यहाँ पर, हमने भाई करेबियन लीग जीत ली थी एंड इट इज टाइम फॉर दिस वन। किसका इंतजार है, इस वीडियो को लाइक करना, 500 लाइक्स का पूरे कर दो भाई। देख लो IPL खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यूज गिरने चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स ओके डोकी, इट्स टाइम टू प्ले द फर्स्ट गेम। ये होने वाला है भाई अपना, पता नहीं क्या, मेरे को पता नहीं कौन सी टीम है ये, मुंबई रंबल्स वर्सेस हैदराबाद के साथ है ना, अपने मुंबई के साथ खेल। ओके डोकी, अभी के लिए अपने इक्विपाय करने वाले हैं किट, वी गोना स्टार्ट द गेम। पिक्सार्ड विल मेक अ डिफरेंस इन इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट, कल किसी को नहीं पता इस टाइम भाई, बट इट इज टाइम टू प्ले द गेम लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके भाई, मेरे को पता नहीं था भाई मेरी अखबारों में फोटो छप रही है। वेल हियर वी गो, करियर मोड, इट्स इन मुंबई रंबल्स वर्सेस हैदराबाद। यहाँ पर पिच रिपोर्ट कर लो तुम लोग बाद में, अभी के लिए टाइम आ चुका है यहाँ पर अपना। ऑल राइट, तो इट इज टाइम टू कॉल फॉर टेल्स में भी, शायद अपने जीते शायद हारे, आई डोंट नो। मैं कैप्टन नहीं हूँ फिर भी भाई, मेरे से टॉस करवाते हैं यार। वेल वी गोना बैट फर्स्ट, टारगेट देंगे अपने भाई, 50 ओवर का मैच है आज, अपने को फुल ऑन बैटिंग करनी है। पिक्सार्ड भैया ओपनिंग करने वाले हैं विद हमारे फेवरेट बैट्समैन RF के साथ। पिक्सार्ड इज फाइनली हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, 69 नंबर के साथ। मैंने अभी तुम्हें दिखाना भूल गया ना, तुम्हें अपना भाई करियर मेरा थोड़ा खराब ही चल रहा था वैसे तो देखा जाए तो, गए है ना, ये नो बॉल है। इसी के साथ पहली बॉल पे चौका भाई, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस फुल है, मैं IPL खेल के आया हूँ ना भाई, फुल कॉन्फिडेंस है चाहे कितना ही टफ हो गया। अरे भाई को पर्सनल स्कोर बनाना है, पर्सनल स्कोर अपने आराम से बनाएंगे। और पावर प्ले है, 10 ओवर का पावर प्ले होने वाला है वैसे भी गाइस, तो अपने को टेंशन की कोई बात है नहीं। ये गुड शॉट मैंने मार दिया अभी के लिए, ये चौका चला जाएगा, चौका आए, छक्का आ गया गाइस, पहला परफेक्ट, लेट्स गो भाई। कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस, जब मैं करियर मोड पहले खेलता था ना भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था रद्दी पर, मेरी सेंचुरी मसा अभी बनी थी, अब भी जाए। और 109 मीटर का छक्का यार, और क्या चाहिए, परफेक्ट एक और छक्का भाई, तेरे भाई के बल्ले से रन निकल रहे हैं, ये मेरा पर्सनल है यार। एक और, अरे रिव्यू ले ले यार, मेरे को पहली ओवर में ही आउट नहीं होना, मेरा करियर खराब हो जाएगा यार। मसा रन लग रहे थे, मेरा डिस्ट्रिक्ट ODI करियर की शुरुआत खराब। देखो अपने बचाव में आएगा नहीं आएगा, मेरे को लगता तो नहीं है, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके वेल, ये इन लाइन आ रहा है अभी गाइस, ओके आउटसाइड ऑफ है, मिसिंग होना चाहिए स्टंप, इट इज अ मिसिंग स्टंप, वी आर अलाइव गाइस, वी आर अलाइव, लेट्स गो। ओके दिस इज गुड, रिवर्स कर दे डिसीजन बेटी के। वेल पहले ओवर से हमने लगा दिए अभी के लिए 26 रन बोर्ड पे, एंड स्टिल आई एम ऑन द स्ट्राइक। वेल कम से कम 50 तो देखो बनानी ही है, 100 का देखते हैं हमने बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। अभी के लिए तो मैं मारूंगा भाई पावर प्ले में फुल ऑन रन। वेल अगर मैं 6 मार देता हूँ तो मेरी इस बॉल पे 50 हो जाएगी गाइस, 45 रन पे हूँ मैं 12 बॉलों के अंदर, क्या मेरी 50 हो पाएगी 13 बॉलों में, नहीं हो पाएगी, कैश तो नहीं होएगा, बच गया सिंगल ही आया। लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने पाड़ के रखी हुई है, 46 पे मैं खेल रहा हूँ अभी इस टाइम, एंड ये इस बॉल पे हो जाएगी हमारी 50। पहला बल्ला उठने वाला है भाई, पहले मैच में डेब्यू है, 3 मैच तो करेबियन लीग के चक्कर में छूट गए थे मेरे, बिठा दे भाई। पिक्सार्ड 69 बल्ला यार, 2 छक्के 9 चौके, 357 की स्ट्राइक रेट, मुझे भाई T20 IPL में बुलाओ। आए गुड शॉट है, छक्का जाएगा, ये सिक्स है, नाइस यार। अब यहाँ से ना सेंचुरी मारनी है मैंने, देखो मैं डबल सेंचुरी मार सकता हूँ 10 ओवर के अंदर अंदर जितना मेरे को लगता है, बस कैच ना हो ये। अरे यार ये फास्ट भागने वाला ऑप्शन नहीं आता ना एक तो भी। पहले इट इज टाइम टू ऑटो प्ले, देखते हैं क्या होने वाला है, दिस इज फर्स्ट ऑटो प्ले। RF भैया को पहली बॉल मिली थी और भैया 2 बॉले खेल के आउट हो गए भाई, सारा तुमने मेरे पे डाल दिया क्या ठेका भैया, साइड में कौन सी यार्ड लगी पड़ी है ये, अरे कहाँ लगाया कहाँ गया, अरे 57 पे आउट हो गया मैं भाई, मेरा एज लग गया, मेरा एज लग गया, 57 रन बनाए गाइस 17 बॉलों में 9 छक्के। वेल इट इज टाइम टू सी कितने रन बनाने वाली है हमारी टीम, 411 रन भाई, ठीक है 50 ओवर में 121 मार गया जे भाई, मेरी स्टार्ट बढ़िया थी ना, फुल ऑन रन भाई सब मार के गए हैं सिर्फ RF के अलावा।
पहल आ चुके हैं हैदराबाद वाले बंदे। अभी मेरे को भाई पहला ओवर डालना चाहिए या फिर जैन से करवाऊँ? जैन से करवाते हैं। चलो, जैन भैया ने पहले ओवर में लिए 4 रन 0 विकेट। इट इज़ टाइम टू कॉल माई सेल्फ नाउ। अभी मेरे शायद 10 ओवर होने वाले हैं इस गेम के अंदर। मैं नॉर्मल बॉलिंग कराने वाला हूँ। आई नो तुम लोग बोलोगे कि भाई नॉर्मल बॉलिंग करा, यॉर्कर मत करा। मैं यॉर्कर भी कराऊंगा, नो बॉल भी, नॉर्मल भी कराऊंगा। अरे कॉटन बॉल भाई, क्या बात है यार, तेरे भाई विकेट ले गया। ओए ओए होए, क्या बात है। आए हाय होए होए, आए हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी। भाई नॉर्मल वाली विकेट ले गया हूँ मैं। लेट्स गो गाइस, डोर वन इन स्विंग के साथ। क्यों नहीं डालूंगा मैं विकेट, टेकिंग तो करूंगा मैं नॉर्मल के साथ। हाँ जी सर, एक और विकेट। धोखा खा लिया यार, अभी तो मैंने फील्ड चेंज करनी पड़ेगी मेरे को रन नहीं खाने। मैं चाहूँ तो शायद इनको ऑल आउट कर सकता हूँ यॉर्कर डाल के, बट मैं अभी नॉर्मल बॉलिंग की ट्राई कर। भाई लेट्स गो, एक और भाई बल्ले के ऊपर लग गई, एक और विकेट। गाइस 2 विकेट आ गए तेरे भाई के। 412 रन तो नहीं रखते भाई हैदराबाद से, तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को अभी के लिए। बाकी फास्ट बहुत है ना यार ये गेम, अभी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। इतना फास्ट तो चलता ही नहीं है भाई रियल लाइफ में। यॉर्कर से 8 छक्के भी खा लेता था मैं तो, मेरी इकोनॉमी वैसे ही ख़राब हो रही थी। मेरे को जाना पड़ेगा वापस से थोड़ा संभालने के लिए। दास का विकेट लेना पड़ेगा यार, 8 बोलों में 17 मार के बैठा हुआ है बेटी का। यार मैं स्पिनर होता ना तो मैं भाई आउट स्विंग से भी ट्राई कर सकता था। मेरे को स्पिनर बनना चाहिए था ना। टुडे ट्राई 1 यॉर्कर, 1 यॉर्कर तो बनती है यार। एग्जैक्ट खेल रहा है, यॉर्कर नहीं डाल रहा है, ऐसा हो सकता है? लेट्स ट्राई विद 1 यॉर्कर, देखते हैं विकेट आता है नहीं आता है भाई। अरे 6 पड़ गया ना भाई। यॉर्कर की यही बात ख़राब लगती है, बस छक्के बढ़ते हैं भाई, छक्के खराब करते हैं। मे भी शायद अभी इकोनॉमी बचाने का टाइम आ चुका है मेरे पास। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड यू नो डू अ नॉर्मल बॉलिंग विद आउटसाइड वाला। सही है यार, इनका रन रेट ज़्यादा चल रहा है, रिक्वायर्ड से इनका कम करना पड़ेगा। जैन को बुलाने वाले हम लोग फास्ट बॉलर, आप संभालो सर थोड़ा, स्पिनर तो पिट गया था। पहल मैंने खुद को वापस बुला लिया अभी के लिए। अभी 39/2 चल रहे हैं 5 ओवरों के बाद। ठीक है, अब ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी विकेट लेने की। देखो विकेट आता है तो, देखो ये गेम जीतना तो चाहिए अपने को जितना मेरे को लगता है। अगर मैं लास्ट ओवर में बॉलिंग कराने गया फिर शायद मैं ना जीत पाऊँ, तो इसलिए मैं 10 ओवर अपने जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। क्या मैं एक विकेट लेने की कोशिश करूँ यॉर्कर के साथ स्लोअर वन? मेरे से पहले उससे बहुत विकेट आते थे ना। मैंने भाई 6 बोलों में 6 विकेट भी लिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट्स ट्राई इट आउट, क्या मेरे को विकेट मिलेगा? गाइस खेल गया ना ये, अरे छक्का मार गया। मेरी इकोनॉमी ख़राब करने पे तुले हुए हैं ये। पहले डी जैन ने कितने रन खा लिए? 54/3। तीसरा विकेट ले गए, दास का ले गए क्या? दास अभी टिका हुआ है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ टाइम फॉर माई 4th ओवर राइट नाउ। देखते हैं हमने विकेट ले पाते हैं तो ट्राई कर लेते हैं भाई स्लोअर वन के साथ। इन स्विंग डाल के कैच देगा क्या? नहीं दे रहा ना। या तो पहले प्रेशर बनाया जाए फिर उसके बाद यॉर्कर ट्राई करा जाए। मे बी नॉट। पहले एक अपने डालते बाउंसर, ज़रा नहीं आ रहा ना विकेट बाउंसर पे भी। यार अगर मैं फिर से करियर मोड स्टार्ट करूँ तो क्या मुझे स्पिनर बनना चाहिए या मुझे बॉलर बनना ही नहीं चाहिए? सिर्फ बैटिंग करें एक बार, सिर्फ बैटिंग करिए ट्राई करेंगे ना। पहले अभी के लिए फील्ड चेंज करने का टाइम थोड़ा सा आ चुका है। मे बी नॉट। आई वांट टू गेट द विकेट यार। भाई ये निकाल गया ना गैप्स। भाई यार इधर मार देता है यार, ये कमाल है, गैप ढूंढ ही रहे हैं बेटी। क्या हम लोग यॉर्कर से विकेट निकाल सकते हैं? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। आउट है, लेट्स गो, फाइनली यॉर्कर से विकेट आ गया भाई। बड़ी देर लग गई यार। पहले इट इज़ ए क्लियर आउट सर, इम्पैक्ट इन लाइन है, विकेट सेटिंग होने वाला है। देखो 2 विकेट मैं नॉर्मल बॉलिंग से ले चुका हूँ, 1 विकेट लेने में क्या दिक्कत है? टीम को जिताना भी तो है। अब मैं फिर से नॉर्मल बॉलिंग पे आ रहा हूँ गाइस, देखो क्या होता है। वैसे भी 2 बॉलें रह चुकी हैं पावर प्ले की। इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका है भाई एंड वी आर गुड आई गेस। ठीक ठाक चल रहा है हमारा स्कोर। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी कम है इनकी करंट रन रेट से, बट अपने सब भाग सकते हैं ये। वी आर बैक अगेन टू द बॉलिंग। अभी बॉस भैया को देखते हैं। अरे मैंने अभी तक सेट नहीं किया ना भाई, फील्ड सेट कर दो। पहले मेरा मन कर रहा है दास को आउट करने का यॉर्कर से। देखो विकेट आता है तो ले लेते हैं, वरना तो मार ही देगा भाई। नहीं मारा, 50 नहीं होने देनी यार भाई की। यार मैंने 50 करी थी, मेरे से ज़्यादा रन मत बनाओ यार। हैं, अरे अरे रन आउट यार, क्या कर रहे हैं यार। लास्ट बॉल होने वाली हमारे 6th ओवर की एंड इट इज़ अ गुड ओवर भाई। 2 रन ही आया सिर्फ, और क्या चाहिए अपने को। मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए 20 ओवर तक टपा देता हूँ, देखते हैं कितना स्कोर बनाने वाले हैं ये। ठीक है, इन शॉर्ट ऑफ लेकर आ रहा हूँ मैं 20 ओवर। 10 seconds later. लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 ओवर हो चुके हैं 152 पे, ये 5 ही हैं अभी भी। राजेश खेल रहा है, बोस खेल रहा है भाई, विकेट नहीं ले पाए ये लोग। मेरे को वापस आना पड़ा है विकेट लेने के लिए। देखो विकेट आता है या फिर इनकी रन रेट कम जाती है भाई। देखो भाई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मैचेस में भाई नीचे वाला भी बहुत खतरनाक स्कोर बना देता है कई बार। पहले लेडीज एंड जेंटलमैन अपना 1 ओवर मेडन ओवर आने वाला है जैसा कि मुझे लग रहा है। मैं नॉर्मली कराने वाला हूँ, देखो भाई क्या होता है। मेरी इकोनॉमी बढ़िया हो जाएगी, करा देते हैं। ये इकोनॉमी ख़राब कर गया, छक्का मार के बेटी का।
यार मेरे को ना फील्डर उधर रखना चाहिए था, क्या चुपता। छठा विकेट फाइनली आ चुकी है 172 पे, क्योंकि आउट हो गया क्या वो बॉस, आउट हो गया ना, राजेश अभी भी खेल रहा है। तो भाई हम आ चुके हैं, अब मेरे को भाई अपनी वाली पे आना पड़ेगा टाटा को आउट करने के लिए, सॉरी ब्रदर, बट अभी यॉर्कर टाइम आ चुका है, यॉर्कर मैं करा नहीं पा रहा हूँ ना एक भी यार। पहले यॉर्कर से विकेट नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी बहुत बाउंसर ट्राई करनी चाहिए, अपने पास है तो सही ना फील्डर बाहर, ऑल आउट करना ही पड़ेगा भाई इनको, इनसे जाना तो है नहीं 50 ओवर तक वैसे भी ना गेम। हाँ भाई रुका नहीं जाना चाहिए ये, एक स्लोर वन ट्राई करते हैं बाउंसर के साथ, लास्ट बॉल होने वाली है, लेट्स सी क्या होता है भाई। इनकी करंट रन रेट और रिक्वायर्ड में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बट इशू ये है कि बचा लिया, नाइस दो रन ही आए 100 ओवर में। मैं आ चुका हूँ अपना 8वां ओवर लेके भाई, और बात हो चुकी है ये कि राजेश की हो गई है 50, 25 ओवर में इन्होंने 200 बना लिए, 25 में 200 ओवर बनाने हैं भाई, बट बात ये है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट पड़े हैं और हमने चक्का खा लिया पहली बॉल, 200 हमने करवा दिए इनके टच, बधाई हो सर। वेल मैं आ चुका हूँ अपना आखिरी ओवर लेके, अब इसमें देखो भाई विकेट आ जाएंगे तो आ जाएंगे, 3 विकेट मैं ले चुका हूँ, अब मेरे को 5 विकेट ट्राई करने के लिए ना थोड़े बहुत यॉर्कर वगैरह ट्राई करनी पड़ेंगी गाइस, क्योंकि ये विकेट नहीं जा रहा है अभी, नॉर्मल से नहीं आ रहा है विकेट, सिंपल सी बात ही है। वेल अपने स्पेल की लास्ट 3 बॉल होने वाली हैं यॉर्कर, क्योंकि मुझे विकेट चाहिए। 64 रन मैंने खा लिए हैं 9 ओवर में, ठीक है इतना कोई ख़राब भी नहीं है, 6 की इकोनॉमी तो बेस्ट ही है भाई। हाय हाय लेट्स गो भाई, 2 रन आए सिर्फ हमारी आखिरी बॉल से, हमारा स्पेल इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। पंडे यार काफ़ी लंबे जाएंगे ना मैचेस वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है चलो अपने 2 तो खेल ही सकते हैं अगर मैं लंबा स्कोर ना बनाऊँ तो। कैन ऑटो प्ले राइट नाउ अभी के लिए, एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ द थिंग भाई। 355 पे ऑल आउट हो चुके हैं, हैदराबाद वाले वी वॉन द गेम, मुंबई रंबल्स 1/56 रन, और क्या चाहिए यार, वी आर डूइंग गुड राइट। हमने 121 रन बनाए हैं, 191 बॉल अजय यादव ने बनाया, अजय ने भाई, अजय ले गया भाई, मेरे को नहीं मिला ना। पहले बात करी जाए तो अपनी भाई बैटिंग समरी के बारे में बात करी जाए तो डोमेस्टिक मैंने कितने भाई 30 मैचेस खेले, 29 3/586 रन है हमारे, एवरेज हमारा बहुत कम है 16 का, लीग में हमारा 28 का एवरेज था बैटिंग के अंदर, कुछ नहीं कर सकते, बुरा हाल है भाई। ओपनिंग करते हैं ऐसा ही होना था, वैसे तो ओपनिंग में ख़राब ही चल रहा था। और रही बात बॉलिंग के अंदर, तो हमारा यार जो डोमेस्टिक का है उसमें हमारी इकोनॉमी 8.15 की है, लीग में 8.8 होगी है यार। मैंने डोमेस्टिक में 9 विकेट लिए हुए हैं, लीग में मैंने 10 विकेट के 10 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है रीस्टार्ट मैं कर सकता हूँ करियर मोड अगर तुम लोग चाहोगे तो, वी कैन स्टार्ट द रीस्टार्ट अभी, बट अभी के लिए अपने को और खेलने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं अपने आने वाले मैचेस और खेलेंगे, दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द करियर मोड, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होने वाला, तुम्हें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई करियर मोड अगर तुम्हें कंटिन्यू चाहिए तो। आज हमने एक मैच खेल लिया है, वी गोना प्ले 2 मैचेस पर डे, या 2 या 3 मैचेस, वो डिपेंड करेगा कितने रन बनेंगे क्या होगा, ठीक है मैं तुमसे मिलता हूँ, लाइक एंड पूरा कर देना, डिलन बाबा हैव फन, बाय बाय बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी, मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।